हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो है, बहुत लोग जैसे आधार कंप्लेन स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो इनका पहले प्रॉब्लम सॉल्व दिखा रहा था, जिससे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस उनका प्रॉब्लम सॉल्व दिखा रहा था। सब केस आईडी से जब उनको मिल जाती थी रीजनल ऑफिस से, तो वो स्टेटस आधार कंप्लेन स्टेटस जब चेक करते थे तो प्रॉब्लम सॉल्व दिखाता था, लेकिन एक हफ्ते से यूडीआई ने ये क्लोज कर दिया है। अब उसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इस पे क्या लिख के आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एज़ पर योर सिस्टम रिकॉर्ड योर कंप्लेन नंबर, और आपका सबके साइड ही आएगा, और इज़ क्लोजेड डिवीज़न रीजनल ऑफिस। मतलब ये आपका रीजनल ऑफिस की तरफ से आपका जो सबके साइड है इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों का हो रहा है और बहुत लोगों का प्रॉब्लम सोल्व ही बता रहा है, तो इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली और आपके फैमिली को। वीडियो स्टार्ट करता हूँ गाइस। देखो, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या है और ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो, बहुत लोग जैसे जब उनको सबके साइड इन मिल जाता था सारा प्रोसेस करने के बाद, तो हम सबके साइड से अपना आधार कंप्लेन स्टेटस चेक करते थे, ठीक है, यूडीआई के साइट पे जाके, तो हमारा क्लोज वाला स्टेटस शो करने लग रहा है, ठीक है। तो इससे हमको क्या इसका सोल्यूशन, इसमें मतलब ये क्या कह रहा है, जो भी स्टेटस है यूडीआई आपको क्या कह रहा है कि आप सारी जानकारी यूडीआई के साइट से नहीं ले सकते हैं, आपको जानकारी के लिए और आपको कंप्लेन नंबर चाहिए तो आपको 1947 पे कॉल करना होगा और कस्टमर केयर से बात करना होगा, वो आपको एक कंप्लेन नंबर देंगे, ठीक है, उसके बाद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितने लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा है तो क्या क्लोज हो जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोगों का सभी का होगा, ठीक है। जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है यूडीआई का, आप लोग फॉलो कीजिए और सबका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूडीआई ने अभी आधार कंप्लेन स्टेटस जो यूडीआई के साइट पे था वो बंद कर दिया है, अब आप 1947 पे कॉल लगा के इसको अपना कंप्लेन नंबर लेके आप उनसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये आपका जब स्टेटस शो करना है तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, चलो आपका क्लोज दिखा रहा है, क्योंकि ये साइडी जैसे यूडीआई ने बंद कर दिया, इसको क्लोज कर दिया कि आप इस पर अब नहीं देख सकते हैं, आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा 1947 पे। अगर आप फिर भी बात नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको देखिए आपको क्या क्या भेजना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, और आधार कार्ड और बायोमेट्रिक अपडेट करा के ये आपको भेजना पड़ेगा, और मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, और आपका बिल्कुल मतलब कुछ भी इसमें वो नहीं है, आप बहुत ईजी है, तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि बहुत लोगों ने ये पूछा है, सर मेरा ये स्टेटस शो कर रहा है, इसका रीज़न क्या है और पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप लोग झूठ मूठ का टेंशन मत लो, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में मतलब यही मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने सारा प्रोसेस कर लिया है तो, अगर नहीं किया है तो सारा प्रोसेस कर लीजिए। और एक सूचना और है कि बिहार वाले जितने भी लोग हैं भाई का, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो उनका मार्कशीट पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। मार्कशीट से आप अपना लिमिट क्रॉस जो भी है, DOB, नेम, जेंडर आप अपडेट करा सकते हो लिमिट क्रॉस का, ठीक है। उसके लिए आपके पास, देखो बिहार वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, मार्कशीट, और अगर बिहार से नहीं हो, उत्तर प्रदेश हो या किसी और स्टेट से हो, तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्कशीट से मतलब अपडेट हो जा रहा है बिहार वालों का, मैंने 2-3 लोगों का मतलब कराया है और हो गया उनका, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपको करा लेना है और फिर सारा प्रोसेस करना है। और जितने लोग रीजनल ऑफिस जा रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि अगर आप घर से ही ये प्रोसेस करते हो तो आपका प्रोसेस मतलब लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो, जो आप बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मार्कशीट, अगर जिसके पास मार्कशीट नहीं है वो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकता है, ठीक है। पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, नेम का हो तो, ठीक है, और आपका
ये इतना हो जाता है, उसके बाद से आपको बायोमेट्रिक करा के और ईमेल कर देना है रीजनल ऑफिस को। रीजनल ऑफिस को मेल करोगे तो एक दो दिन के बाद आपको सबके आईडी मिल जाता है। आईडी मिलने के बाद आपको ये आपका क्लोज वाला जो मैं वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1947 पे कॉल करना है और वो आपको एक कंप्लेन नंबर दे देंगे और उसके बाद से कुछ दिन बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हमसे मतलब कॉन्टेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पे ही डायरेक्ट आइए। और मैं आपको एक बात भी बताने चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं सर आपका दोस्त ने बोला है कि ये भेजो मैं करा दूंगा, वो भेजो मैं करा दूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा कोई दोस्त वस्त नहीं है। आप लोग सोच समझ के जो भी करना वो करना। हमारे तरफ से फिर से एक बार और बोल दे रहा हूँ कि हैप्पी दिवाली और आप लोगों को बहुत सारा ढेर बधाइयाँ हमारे तरफ से, और अच्छे से अपना दिवाली मनाइए और इन्जॉय कीजिए।